राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडिताइन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। अगर बरसों से अच्छी चलती आ रही दुकान अचानक घाटा देने लगे और आपका व्यापार एक ऐसा अंधा कुआं बनकर रह जाए जिसमें आप बस रुपए पैसे और मेहनत की आहुति डालते जाएं, मगर व्यापार सुधरने का नाम ही ना ले, तो ध्यान दें कि कहीं आपने अपनी दुकान के ईस्ट या नॉर्थ से लेकर के इन जोन्स के बीच कोई ऐसा चेंज तो नहीं किया, कोई ऐसा बदलाव तो नहीं किया जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई हो। कई बार बिना जानकारी के किए गए चेंजेस बड़ा सिरदर्द साबित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी दुकान के ईस्ट और नॉर्थ जोन के बीच का स्थान उसके व्यापार में होने वाले मुनाफे के लिए उत्तरदायी होता है। वास्तु रिसर्च के अनुसार अक्सर जिन दुकानों में ईस्ट और नॉर्थ के बीच की खिड़कियों को बंद करवाकर वहां भारी और विपरीत तत्व के समान ऑपोजिट तत्व के जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, भारी एक्वेरियम या भारी तिजोरी आदि रख दिए जाते हैं, वहां अक्सर ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि दुकान का ये हिस्सा बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा खुला, हवादार और रोशन रहे। लगे हुए वास्तु दोष को पहचानें और दूर करें। इस भाग के लिए सर्वव्यापी और यूनिवर्सल उपाय भी है, आप चाहें तो उसे अपनाकर अपनी समस्या को कम कर सकते हैं। इस उपाय के लिए पूर्व दिशा में प्राण प्रतिष्ठित सूर्य यंत्र की स्थापना विधिवत कराएं और उत्तर दिशा में बुध यंत्र की, यानी अपनी दुकान के नॉर्थ जोन में बुध यंत्र की स्थापना कराएं और ईस्ट जोन में सूर्य यंत्र की। अब हर सुबह दुकान खोलने के बाद इन दोनों को धूप दीप दिखाएं। अपनी दुकान के ईशान कोण में हल्दी की एक माला लटकाएं, साबुत हल्दी की एक माला बनाकर अपनी दुकान में लटकाएं। महीने में दो बार कम से कम फिटकरी का चूरा बनाकर पूरी दुकान में छिड़कें, आपका वास्तु दोष कम हो जाएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।